हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट स्केचेस हैं उसकी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज हम स्केच बनाएंगे फेमस टिकटॉकर है संजय टिकटॉकर है अक्षर जमाली, ठीक है। तो देख रहे हैं कि मैंने ग्राफ बना लिया है। अब मैं इसका शेडिंग कर रहा हूँ तो मैंने आई बॉल के लिए मैंने यहाँ पे एज यूजुअल डूबी पेंसिल यूज़ की है, तो लाइट ब्रशर और आईब्रोज को भी देखिए मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। आई बॉल में हमें ब्रश यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, हम नहीं करते। तो यहाँ पे शेडिंग है, शेडिंग के लिए मैं जस्ट एच बी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि तो यहाँ हल्का डार्क वैल्यूज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी आई और जो आई के अंदर वाइट डॉट्स होते हैं उनको हमें फिल नहीं करना होता, ठीक है, क्योंकि वो हमें हाईलाइट रखने होते हैं। इस आई में मैं सेम प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ, टू बी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ब्रशर यूज़ नहीं करा और मैं आई बाल भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लेंडर इस्तेमाल करा कि छोटी एरिया है, यहाँ पे अगर हम ब्रश यूज़ करेंगे तो इसकी जो वाइट एरिया है वो उस पर शेडिंग आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं वैल्यूज ऐसा आ रहे हैं। तो आप जब भी स्केच बनाएं आप सबसे पहले आईज़ पे फोकस रखें, ठीक है, और आपके वैल्यूज़ ऐसा आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने स्केच बनाया तो आपने वैल्यू सारे के साले आ गए, नहीं, स्टेप टू स्टेप आते हैं वैल्यूज़। तो मैंने फेस पे शेडिंग कर ली है और अब नोज़ की बारी है। देखिए जो हाईलाइट एरिया है मैंने हाईलाइट एरिया को छोड़ दिया है, ठीक है। छोड़ने का मतलब ये है कि मैंने वहाँ पे कोई भी डार्क पेंसिल यूज़ नहीं की। नोज़ में भी मैंने टू बी पेंसिल यूज़ की, यहाँ पे शेड है, शेडो ग्राए एज रेफरेंस फोटो। आपको सबसे स्केच में काम करना है, यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर यूज़ करता हूँ, मैं मोस्टली पे टिश्यू पेपर यूज़ करता हूँ और लिप्स में भी मैं वही टू बी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। देखें आप ये ना समझें कि हम जल्दी से बनाएं, नहीं भाई, आप जितना टाइम इसमें लगाएंगे उतना ही आपका रियलिस्टिक लगेगा। वैल्यूज़ आपके आस पास आते रहते हैं, जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आईज़ से, फिर नोज़, फिर लिप्स, चिन, हेयर, तो फिर आपका कंप्लीट हो जाता है स्केच। यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैंने पहले फर्स्ट लिप्स में जो लिया दिया था टू पिक से लिया दिया था, उसके बाद मैंने फोर भी यूज़ की, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे लाइट बहुत कम है, ठीक है, इसके रेफरेंस फ़ोटो में, तो मैंने वहाँ पे जस्ट एच भी यूज़ की थी। और हेयर्स में मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिक्स भी है, ठीक है। सिक्स पी से मैं पहले हाईलाइट कर रहा हूँ कहाँ कहाँ पे बाल जा रहे हैं, कौन सा हेयर कहाँ जा रहा है, फिलो स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो डार्क तो हम बाद में करेंगे, पहले हम वैल्यूज तो निकालें। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, सबसे पहले तो हमको आउट करने होते हैं वैल्यूज़ के हेयर्स कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। रियलिस्टिक हेयर्स के लिए आपको ऐसा एक एक बाल का फ्लो लाजमी है कि आपने किस तरफ से बाल जा रहे हैं, कहाँ पे बाल डार्क हैं, कहाँ पे लाइट हैं। यहाँ पे डार्क है, ठीक है, तो मैंने जो जहाँ पे डार्क एरियाज थे मैंने वहाँ पे डार्क ही रख दिए क्योंकि ये पहला है हम वैल्यूज आउट करते हैं, ठीक है। अब मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हेयर्स के लिए हम मोस्टली ब्रश ही यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे एट भी यूज़ कर रहा हूँ, पहले सिक्स भी यूज़ की थी, अब मैं एट भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही प्रेशर हमें नहीं देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, आप देखें ब्रश से कितना स्मूथ हो रहे हैं हेयर्स। तो ब्रश भी आपको उसी फ्लो में यूज़ करना है जिस फ्लो में हेयर्स हैं, ठीक है। अगर कर्व हैं तो कर्व आपको रोटेट करना है, अगर स्ट्रेट हैं तो स्ट्रेट आपको ब्रश यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें
हल्का सा कवर तुम्हें मैंने ब्रश चेंज किया, ठीक है। चेंज का मतलब यह है कि मैंने उसकी एंगल चेंज किए, जिस तरह पिलो है उसी तरह आपका ब्रश चलना चाहिए। तो अब हेयर्स बन के अब या इसके ईयरिंग्स हैं आपके। अब ईयरिंग्स आप मैंने इसलिए यहाँ पे लास्ट में बनाई हैं क्योंकि इसमें वाइट एरिया, ठीक है। अगर मैं ईयरिंग्स पहले बना लेता तो अगर ब्रश में मुमकिन था कि इसकी वाइट जो एरिया थी वो डायमंड्स थे जो वो इतने वाइट नहीं रहते, इसलिए मैंने इसको लास्ट में बनाया या इसके बाद यहाँ पर हल्की सी शेडिंग भी। अगर आप रियल स्टेट स्केच बनाना चाहते हैं तो आपको सब करना होगा, ठीक है, सबर से काम लेना होगा। और भाई जब आप स्केच बनाते हैं तो आपका अगर 60% भी सेम टू सेम बनाते हैं ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। 100% तो नहीं होता। तो अब ये वहाँ पे जो हल्के इसके बाल हैं उसको मैंने बनाया। यहाँ पे मैं इसकी ड्रेस जो है ना, तो इसकी मैंने ड्रेस से इसका मैं यहाँ पे मैंने दुपट्टा रख दिया अपने हिसाब से, क्योंकि जिसने यहाँ पे दुपट्टा आएगा तो इसके जो खूबसूरत लगेगा, तो मैंने ये अपने हिसाब से इसको बनाया स्केच को खूबसूरत बनाने के लिए। ये डिज़ाइन मैंने अपने कहीं पे भी आपको इस रेफरेंस फ़ोटो में भी आपको नहीं मिलेगी। ये हो गया कंप्लीट। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।